I feel your presence on my skin. I feel you spreading out within. It's time you got a hold on me. 'Cause now I look at you differently. Differently. अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरी से मज़े में होंगे। तो वेलकम हो गया नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ़िलहाल हम करवा रहे हैं सिरेमिक कोटिंग। वो क्यों करवा रहे हैं और कैसे करवा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। करवा क्यों रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हम रहते कराची में हैं, तो कराची में हुई थी ज़ोरदार बारिश, तो उस वजह से आ गया था माशाल्लाह से पानी गाड़ी के अंदर तक। तो इस वजह से वो पानी जब रह गया था अंदर, सारा गंद वंद मच गया था और मतलब स्मेल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इसी वजह से हम लोगों ने, क्योंकि कारपेट आपके सामने है माशाल्लाह, जो उसकी हालत है आपको दिख ही रही होगी, तो इसी वजह से हमने भी डिसीजन लिया कि अपनी गाड़ी को सिरेमिक कोटिंग भी करवाते हैं और अंदर से भी पूरा क्लीन करवाते हैं। ठीक है, समझ किस्म की डिटेलिंग और सिरेमिक कोटिंग दोनों ही हो रही है। ये जो हम लोगों ने ऑफ़र ली थी, इसमें है हमारे पास जो थी वो सिरेमिक कोटिंग के साथ हमें ये एक्स्ट्रा सर्विस में अंदर की पूरी डिटेलिंग मिल रही थी। उन्होंने कहा था मतलब सीटें वगैरह खोल के, कारपेट वगैरह खोल के, उसको धोकर उसमें फिर मतलब पूरी फिनिशिंग करके आपको हैंडओवर की जाएगी। तो इस वजह से हम लोगों ने सिरेमिक का भी डिसीजन लिया। तो फ़िलहाल ये ज़रा कारपेट वगैरह खुलवाता हूँ, दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह से जो गंद मचा था बारिश की वजह से, फिर उसका क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। माशाल्लाह से ये हालत आप देख ही सकते हैं, जो पानी अंदर रुका था उसकी वजह से क्या हुआ था। एक दिन तकरीबन पानी गाड़ी के अंदर था, उसके बाद मुझे पता चला कि गाड़ी के अंदर पानी है, तो वो मैंने निकाला था। तो माशाल्लाह से आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का जंग भी आ चुका है। तो सोच मैं ये रहा हूँ कि मतलब इस पर ला के अभी ये जैसे साफ़ हो जाए, तो उसके बाद रेगमाल ला कर, रेगमाल से इसको हल्का हल्का सा रगड़ के जो जंग उतर सकता है वो उतार कर, फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं ग्रे स्प्रे मार दूँगा, जिससे बॉडी मतलब और ख़राब नहीं होगी। तो पहले ये ज़रा साफ़ सफ़ाई हो जाए, फिर इंशाल्लाह इसको स्प्रे भी मार दे। जब तक वो स्प्रे सूखेगा तब तक दूसरा गाड़ी का काम भी ख़त्म हो जाएगा। ये हल्का हल्का से रेगमाल मार के इसके ऊपर पेंट स्प्रे कर दिया है। तो अब इसको ज़रा सा सूखने देते हैं, और जो इसके अंदर का कारपेट था ना वो तो पूरा ख़त्म हो चुका था, तो भाई अभी नया लेने गए, वो जैसे ही वो आता है तो उसकी फिटमेंट बना के भी बिठाना है। तब तक जो बाहर की सिरेमिक कोटिंग है आप ज़रा उसके शॉट्स इन्जॉय करें।
बाहर का काम तो सारा डन हो चुका है, तो अंदर का भी हमने कारपेट वगैरह बिछा दिया है। ज़रा ये जो मेन कारपेट है इसके भी ज़रा बिछा के इसकी फिटमेंट बना के फिर आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर का काम सब कुछ डन हो चुका है, बस शीट्स असेंबल करनी है। वो जैसी होती है मैं फिर आपको ज़रा फाइनल लुक दिखाता हूँ कि सिरेमिक कोटिंग के बाद कैसी लुक आई है। जो मेन पर्पज़ हमारा था वो अंदर का था, वो माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो चुका है। हमने कारपेट भी चेंज कर दिया था, 2100 रुपये उस चीज़ की कॉस्ट पाई थी, और ये सिरेमिक कोटिंग वगैरह के जितने चार्जेस थे वो कुल मिला के हमें पड़ गए थे तकरीबन 10,000 रुपये। अगर पूरा मार्जिन देखा जाए आज कितना ख़र्चा हो गया, तो वो हमारा हुआ है अल्लाह भला करे 12,100। बॉयज़ एक सीन हो गया, जो वीडियोस मैंने बनाई थी आफ्टर सिरेमिक कोटिंग की, और ये भी आफ्टर सिरेमिक कोटिंग की ही है, लेकिन जो शॉर्ट्स मैंने बनाए थे वो मुझसे डिलीट हो गए, तो उस चीज़ के लिए मैं माजरत चाहूँगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा कि क्या लुक निकल के आई थी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखो, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।